हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रेरणा तलवार। स्वागत है आपका फर्स्ट बाइट में। आज बात कर रहे हैं सनी देओल के बेटे के बारे में, जिनकी फिल्म का ट्रेलर फाइनली रिलीज हो चुका है। देओल फैमिली की फैन फॉलोइंग पूरे देश में काफी जोरों पर है, खासकर उत्तर भारत में धर्मेंद्र और सनी देओल के फैंस की तादाद बहुत अधिक है। अब देओल परिवार की तीसरी पीढ़ी और सनी के बेटे करण देओल बॉलीवुड में बतौर एक्टर अपना सफर शुरू करने जा रहे हैं। इसको लेकर फैंस के बीच उत्सुकता और उत्साह दोनों देखने को मिल रहा है। पल पल दिल के पास का ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर फैंस का उत्साह नजर आने लगा और लोगों ने ट्वीट करके सनी देओल के बेटे का स्वागत करना भी शुरू कर दिया। उनका कहना है कि उनके बेटे में सनी की झलक देखने को मिलती है। अगर फिल्म की बात करें तो पल पल दिल के पास रोमांटिक फिल्म है, मगर लोगों को ट्रेलर के आखिरी 30 सेकंड में सबसे ज्यादा मजा आने वाला है, जिसमें करण अपने पापा की तरह चिल्लाते हुए उनकी तरह तेवर दिखाते हुए नजर आते हैं। यूजर्स ने इसको लेकर मजेदार कमेंट्स करना शुरू किया। एक यूजर ने लिखा, सनी देओल रीलोडेड, तो दूसरे लिखते हैं सनी देओल 2.0। कुछ यूजर्स ने देओल परिवार को करण के डेब्यू के लिए बधाई भी दी है और एक यूजर लिखते हैं, वही आंखें, वही गुस्सा, वही एक्सप्रेशन, फादर वर्सेस सन। कुछ लोगों ने करण को भविष्य का सुपरस्टार कहना भी शुरू कर दिया। खास बात यह है कि देओल परिवार में सनी और बॉबी की लॉन्चिंग भी लव स्टोरी के साथ ही हुई थी। सनी ने बेताब से बॉलीवुड में डेब्यू किया था और एंग्री एक्टर के रूप में एक पहचान बनाई। वहीं बॉबी देओल ने बरसात में फिल्मों में बतौर लीड एक्टर करियर शुरू किया। बॉबी ने देओल परिवार को लेकर इस धारणा को खत्म किया था कि देओल नाच नहीं सकते। अब देखते हैं कि करण देओल दादा धर्मेंद्र और डैड सनी की विरासत को कैसे आगे लेकर जाते हैं। पल पल दिल के पास में करण के साथ शहर बांबा डेब्यू कर रही हैं। तो फिलहाल बॉलीवुड बज में इतना ही, फिर से लौटेंगे बॉलीवुड की चटपटी खबरों को लेकर। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।